क्रिसमस खत्म, अब टाइम आ गया पैम को पूरा सजावट उठा के पैक करके रखने का। ये काम सुबह 8 बजे से शुरू किया है और आसान नहीं है ये। बहुत मुश्किल है भैया। टोटल हमें 5 घंटा लगा, मतलब मैं जब तक था ऑफिस जाने से पहले तब भी ये पैक ही कर रही थी। और ये भाई साहब तो बैठ के गेम्स खेल रहे हैं, देखो क्या ऐश है। और एम्बर मैम साहब डांस पे चांस मारने के चक्कर में, लेकिन इससे बहुत डर लगता है उसको। तो आइए दोस्तों, आज का व्लॉग यहीं से शुरू करते हैं। आज पैम ने पूरा अपना डेकोरेशन क्रिसमस के जो डेकोरेशन है निकालना शुरू कर दिया। आज हो गया 8 तारीख, आई थिंक सो, हाँ 8 तारीख है, 8 या हाँ मुझे भी याद नहीं यार, 8 तारीख ही होगा। बहुत मेहनत लगता है यार, सुबह से शुरू किया उसने, वो सब लगाने के लिए भी इतना ही टाइम लगता है, उतारने के लिए भी उतना ही टाइम लगता है, लेकिन उतारना ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है बिकॉज एक एक चीज़ें वापस स्टोर करके रखना पड़ता है, तो उसके कारण बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन वो बराबर करती है जो भी करती है। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, और मेरे तरफ से हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अभी जा रहा हूँ स्टूडियो में, आज एक रिकॉर्डिंग है, सिर्फ एक ही रिकॉर्डिंग है और कुछ नहीं है। बाकी फिर जो स्टूडेंट्स ख़त्म नहीं किए थे वो लोग वापस कॉल करने लग गए, तो उनको भी ख़त्म करना है ये महीना। मैं तो यही महीने का देख रहा हूँ कि ये महीने के एंड तक कैसे भी सब ख़त्म करूँ और वाइंड अप करूँ सब कुछ। पेंडिंग नहीं रखना चाहता मैं, और कोई नया स्टूडेंट्स लेना भी नहीं चाहता मैं अभी, क्योंकि अगर एक स्टूडेंट को ले लिया तो फिर वो 2 महीने के लिए मेरे को लटकना पड़ेगा। तो वही सब कुछ ख़त्म करके जैन या फेब एंड तक कैसे भी हो कुछ भी करके मुझे दिल्ली वापस आना है। जैसे यूजली होता है वैसे यूजली ट्रैफिक में अटका हूँ। यह है शेख जायद रोड गोइंग टूवर्ड्स बर्षा और टाइम है अभी 12:30। मुझे 1 बजे का रिकॉर्डिंग है, मैं एग्जैक्ट 12:50 को पहुँचूँगा अभी मैं, लेकिन ये ट्रैफिक कोई अवॉइड नहीं कर सकता। चलिए अभी मैं स्टूडियो पहुँच चुका हूँ, थोड़ा बहुत सफाई वफाई करना है, यही होता है पहला दिन हफ्ते का। आज है मंडे तो सफाई तो बनता ही है यार। Dismissing the hard work, they calling the talent. And I find that disrespectful cause I put on the mileage. Up for the but I'm down for the challenge. Step off the scene just to find me a balance. These niggas don't want it to get it cause when it got hard, them niggas quit it. चले भैया, आज का काम तो खत्म हो गया, लेकिन अभी मुझे घर पहुंचने के लिए 1 घंटा लगेगा। 57 मिनट्स टू रीच होम। अभी बज चुका है 3:25, मतलब इस टाइम पे स्कूल ज़्यादातर छूटता है, तो उसके कारण स्कूल के जो बसेस है प्लस पेरेंट्स है जो स्कूल से जाके बच्चों को पिक करते हैं, वो उनका ट्रैफिक, अभी तो दुबई का ट्रैफिक ऐसा है कि पूछो मत भैया, मतलब बहुत ही एक्टिक है। मतलब 1 घंटा, जो मेरा घर का रास्ता 30 मिनट का है, अभी 1 घंटा लगेगा मुझे। ये देखो चोको ब्लॉक, अब मैं इसमें अटक के ऑलमोस्ट मुझे 10 मिनट हो गया, उधर से निकल ही नहीं रहा कोई, ये मूव ही नहीं हो रहा ट्रैफिक, मतलब ये ट्रैफिक अटका हुआ है, कहीं नहीं जा रहा, एक एक स्टेप स्टेप करके ही मूव कर रही है। भाई साहब मुझे 2 घंटे लग गए पहुंचने में टोटल, मतलब 1 आवर 45 मिनट्स, इतना ट्रैफिक था। तो मेरा आज तो लंच हुआ नहीं, तो आज वेज कटलेट लेके आया मैं रास्ते में, पैम ने बोला चलो वेज कटलेट खाते, अब तो खाना बना के फ़ायदा नहीं है, तो फिर वेज कटलेट और चाय। तो आने के रास्ते में ही मैं लेती हुआ आया। यही होता है भैया, अपना काम में कोई ये नहीं होता। तो 3 बजे मैं निकला था, पहुंचा अभी देखो 5। भैया जब से ब्लड प्रेशर बढ़ गया है और अभी यूरिक एसिड भी हो गया, जब से ये सब चीज़ें हुए मेरा खाना ही चेंज हो गया। आज खाने में है डिनर में, अभी हमने तो वो स्नैक्स खा लिया, अभी उसके बाद अभी हम खा रहे हैं बॉइल्ड भुट्टा। नींबू और नमक, ये खाना क्या करे। तो हाँ भैया,
यह है उबला हुआ भुट्टा। मैं दो तो ख़त्म कर दिया अभी तीसरे में लगा हुआ। अगर ये दिल्ली वाला जैसे भुट्टा होता है ना, मतलब जो वो लोग आग में कोयला में करते हैं ना, हाँ उसका मज़ा ही कुछ और है यार। अभी वही वो लोग लगाते हैं अपना चाट मसाला सब लगा के नींबू में, मैं इधर नमक लगा रहा हूँ सिर्फ और क्या करें यार, दुबई में ऐसा मिलता नहीं है तो ये ऐसे लगाते हैं ना वो लोग बस उसी याद में हम भी जी रहे, बस क्या करें यार, मजबूरी देखो दुबई वालों की। और मुझे जो है ना चाट बहुत पसंद है यार, बहुत पसंद है चाट। चाट हो तो कुछ भी चलेगा मेरे लिए। ये रहा मसाला लगा के, चाट मसाला मिलता है इधर लेकिन वो चाट मसाला में मज़ा नहीं है जो नॉर्मल जो भुट्टे वाले बनाते हैं ना, तो उनका चाट मसाला का मज़ा ही कुछ और है यार। और बारिश हो और भुट्टा का होए 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 होए, पानी आ गया मुँह में। नहीं पहुंचा यार, वो वाला बुड्ढे का मज़ा नहीं आता है। वो जो कोयला वाला बुड्ढा जो है ना, ओहो उसका मज़ा कुछ और ही है। लेकिन चलेगा अभी फ़िलहाल तो, दिन ज़्यादा दूर नहीं है, आ रहा हूँ बहुत जल्दी भुट्टा खाने। अब हमें जाना है डे टू डे कर्टन बोल रहा हूँ, शावर कर्टन जो है ख़राब हो गया, टूट गया एक्चुअली, उसका जो डंडा रहता है तो वो लेने जाना अभी। अभी पैमल ने आके बोला तो वो लेके आते हैं अभी और उसको फिक्स करते हैं। पता नहीं याविन क्या कर रहा है, स्कूल से आया अभी तक मेरे से मिला नहीं, सीधा जाके वो टीवी में बैठा है, आगे बैठ के खाना खा रहा है वो। बाकी जो शूट है हमें मोबाइल से ही करना पड़ेगा, बिकॉज जहाँ पे हम जा रहे उधर कैमरा वैमरा अलाउड नहीं करते। पहले एम्बर को खाना देते हैं, उसके बाद हम जाएंगे डे टू डे। तो देखो व्हाट हैपेंड, ओके ओके भाई। You broke the shower curtain. Which one? Yeah, see? Go and see. You broke the shower curtain. This? Yeah, there was one curtain there, right? See? It's gone. Mom. It's like that only. Mom threw it, bro. It's you. You. Check this side. No. Well, plastic. What is that? Fake. What is that? It's fake, yeah. This is at the Al Kafari. So, abhi hum log ja rahe hain Sahara Mall. Ye gaadi dekho yaar. Wow. Mast. Kaun sa gaadi hai ye? Abarth. ये शॉपिंग मॉल में लगा हुआ है, किसी को अगर मालूम है तो बताओ ये गाड़ी कंपनी कौन सा। अबर्थ पहली बार देख रहा हूँ ये, अबर्थ। फिएट का मॉडल देखा मैंने ऐसा वाला छोटा गाड़ी, लेकिन ये वाला मालूम नहीं कौन सा कंपनी है, लेकिन जो भी है मस्त दिख रहा है, थोड़ा स्पोर्टी लुक है। ये देखो, अरे फोकस हो जा, हाँ ये रहा अबर्थ। ये देखो डायनासोर, इट्स क्रेजी मैन, इट लुक्स लाइक अ रियल वन। बच्चे पीछे पड़ गए। ये रहा मॉल के अंदर वाला रेलगाड़ी। एक बाउल मतलब चाबी सब रखने के, एक बाउल लेने के लिए पैम ने हमें सहारा सेंटर तक लेके आए। यस यावे, एक सिर्फ एक बाउल लेने के लिए पूरा सहारा सेंटर घुमा दिया। एक्चुअली हम आए थे कर्टन के लिए, शावर कर्टन के लिए रॉड लेने के लिए, क्योंकि शावर कर्टन घर पे पड़ा था एक, वो रॉड ले लिया। अभी चाबी रखने के लिए एक बाउल चाहिए उसके लिए। ये देखो कैसे जा रही है, देख उसको, जब तक वो एक बाउल नहीं मिलेगा वो नहीं जाएगी। तो अभी हम लोग आए ब्रांच फॉर लेस, उसको उधर ही आने का था,
इधर मिल जाए यार बस। भाई एक और गाड़ी सेम ऐसा ही, लेकिन ये इसका रूफ खुलता है। क्या रंग है यार, ग्रे कलर। ये भी अबार्थ है यार, मैं पहली बार सुन रहा हूँ ये गाड़ी का, जो कंपनी है ना अबार्थ। क्या गाड़ी है यार, क्यूट सा है। देख लाल रंग का इसका जो है साइड मिरर्स का, इसको ऊपर से खुलता है, देखो पूरा खुलता है भाई। आज जाके ढूंढूंगा गूगल में भाई कि कौन सा कंपनी है अबार्थ। मस्त है ना। तो भैया इतना रात को हमको चला के लेके गया पैम, पूरा सहारा मॉल घुमाया और उसने बॉल खरीदा ही नहीं। आई डोंट वांट, यू टेक इफ यू वांट। तो हाँ दोस्तों, अभी हम जाके ये लेके आए और इसको फिटिंग करने का है। अभी याविन को लग गई पॉटी, अभी पॉटी कर रहे हैं। तो थोड़ी देर के बाद जाएंगे, ये तो बहुत बदबू मारेगा भाई। याविन, यू हैड टू गो नाउ ओनली, नो यू हैड टू गो नाउ ओनली, नो या आई विल गो ओनली आफ्टर हाफ एन आवर नाउ टू फिक्स द शावर, अदरवाइज इट विल स्टिंक मैन। आई विल नॉट गो इनसाइड नाउ, आई स्वेयर। No, no, even if you put that all. ये रॉड लगाने का अभी, तो ये कर्टन बहुत पहले लिया था हमने, लेकिन ये रंग किसी को पसंद नहीं आया तो इसलिए रखा हुआ था, लेकिन अब इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, नहीं तो पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो ये इस्तेमाल करेंगे तो कर्टन का पैसा बच गया। पता नहीं मैंने क्यों लिया था काला, और पता नहीं उसमें सिल्वर कलर का रंग लगा हुआ है, बड़ा अजीब सा लग रहा है अभी। मैंने क्यों लिया ही, नहीं तो मैं ऐसी चीज़ें लेता हूँ, शायद सस्ता पड़ा होगा इसलिए लिया होगा, लेकिन ऐसा वाला मैं लेता ही नहीं कभी। या फाइनली लगा दिया, मैं ऑलमोस्ट गिरने वाला था भाई, मेरा तो स्लिप हो गया था, मैं बच गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, होपफुली आज का व्लॉग आपको पसंद आया रहेगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। मिलता है छोटी सी ब्रेक के बाद, शुभ रात्रि।